राधा रानी की बोले सचिनंदन गौर हरि की पिताई गौर ब्रह्मानंद हरि। इधर का मालिक कौन है? ये मालिक है तुम हो और तुम्हारे घर वाले कहाँ है? ये इधर इधर आ, इधर
फूल की माला दे दो, फूल की माला दो इधर, और एक दे दो इधर आ जा, ये घर की मालिक ही, ताली बजाओ सब, सारी बच्चे बच्चे ठीक है, बैठ बैठ बैठ, ये बेटा है, और एक मल्ला दे दो, और एक मल्ला है इधर दो, बैठ बैठ, और एक मल्ला दे दो, ये भी बेटा है तुम्हारा, ये बड़ा, ये छोटा मल्ला, दो बेटे हैं, ठीक है बस। बोले गिरिराज बाबा की, हाँ थोड़ी कथा सुन लो, देखो आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन है। बोले बढ़िया दिन क्यों, क्या लटेरी कोई लग गई तुम्हारी? बढ़िया दिन किसको कहते हैं, जब जीवन में कोई लटेरी लग जाए ना तब कहते हैं बढ़िया दिन है। बोले सचमुच से आज हमारे जीवन में लटेरी लगी है। बोले किस चीज की लटेरी लगी है? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय, सूत दार और बीत ये पापी कवि होए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहते ये जगत में दो चीज बड़े किस्मत वालों को मिलता है। बोले वो दो चीज क्या है? बोले पहला नंबर है सत्संग, संतों की संग, और दूसरी जो चीज हरि कथा। कहते जो दो चीज जगत में बड़ी दुर्लभ है। आज देखो ये दो चीज हमें मिल रहा है कि नहीं, अब बताओ मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है ना, इसलिए समझो आज जीवन में हमारी लटेरी लग गई। ताली बजाओ सबके सब। आप बोलोगे भैया क्यों ये सत्संग की इतने महिमा क्यों? हम कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। कहते जब तक जीवन में सौभाग्य उदय नहीं हो, बिनु सत्संग विवेक ना होई, संतों के संग के बगैर विवेक नहीं होता, और जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होना तब तक ये जीवन में संतों का संग भी नहीं मिलती है। इसलिए जीवन में सत्संग बड़ा दुर्लभ है। इसलिए भागवत में बताए, बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाच्युतादर कथा प्रसंग। मतलब जिस घर में संत लोग आ गए, जिस घर में हरि की चर्चा हो रही है, कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, पता है कितना तीर्थ है? बोले 6 अरब। कितना बोलो? 6 अरब। 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़ में 1 अरब। 6 अरब मतलब 600 करोड़ तीर्थ उसी घर में आ गए। गया गंगा कुरुक्षेत्रम, जितने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची आबंतिया, सत्संग रूपी गंगा में जो नहा लिया है, समझो घर में बैठी बैठी करके सारे तीर्थ में हमने नहा लिया। हमें कहीं तीर्थ जाने का जरूरत नहीं, सारे तीर्थ घर में आ गए। क्योंकि भागवत कहता है जिस घर में सत्संग हो उसी घर में तो सारे तीर्थ आ ही गया। और कथा रूपी गंगा में जो नहा लिया ना, गंगा जाने के लिए कितना पैसा लगेगा? हरिद्वार जाओ कितना पैसा खर्च करो, अगर फिर यमुना जाओ वृंदावन में जाओ, नहीं तो आप प्रयाग में जाओ सरस्वती वहां स्नान करने के लिए कितने पैसा लगेगा? 6 अरब तीर्थ घूमने के लिए करोड़ रुपया में भी सारे तीर्थ नहीं कर सकते हो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सबसे सरल उपाय किया है जो एक साथ में सारे तीर्थ में नहा ले। सर सबसे सरल उपाय किया? बोले सबसे सरल उपाय है, बोले गंगा पापम ससी तापम तन्न कल्प तरु हरे पापनम तथा दन्नम हरेत सत समागम है। शास्त्र में बताया गंगा पापम, हम कहते ना चलो गंगा में नहा करके आएंगे, क्यों? बोले पाप धो करके आएंगे, सारे पाप को धूल करके आएंगे। कहते ना गंगा क्या खत्म करते? बोले पापम। बोले ससी, ससी मतलब होता है चंद्रमा है, दिन में कितने गर्मी, लेकिन रात में जब चंद्रमा उदय हो क्या होता है? सुशीतल आ जाती। दिन भर काम करते करते थक जाते हो, सवेरे उठ जाओ ना, सवेरे सो करके रात भर सो, सवेरे उठ जाओ फिर शरीर में चुस्ती आ जाती। बोले कहां से? बोले जितने सारे ताप है ना ये चंद्रमा दूर कर देता है। बोले दन्न कल्प धरोहरे, जो दुख दारिद्रता कौन खत्म करता है? कहते वृक्ष में, स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष को नीचे बैठ करके जो मांगो तुम्हारी सारी दरिद्रता को, सारी दीनहीनता को ये कल्प द्वारा नष्ट करता है। लेकिन
ये जो साधु संघ में क्या होता है, जो पाप खत्म होता है गंगा में नहाने पर, बोले साधु संघ में अपने आप तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएगी। हैं? तापम, तापम मतलब जीवन में जो दुख कष्ट हैं, कब खत्म होगा? बोले सत्संग से। बोले जीवन का जितने दुख दारिद्रता कब खत्म होगा? बोले ये सत्संग से। बोले जो तीनों चीज को ये सत्संग नष्ट करने वाले, समझ रहे हो, ये तीनों चीज को सत्संग हमारी नष्ट करते हैं। बोले गंगा स्नान करने से भी ज्यादा पुण्य है, पृथ्वी में सारे तीर्थ में नहा लो, सारे तीर्थ में नहा लो, जितने पुण्य तुम्हें मिलेगी ना उससे करोड़ों गुण ज्यादा पुण्य मिलेगी जब कथा रूपी गंगा में नहा लोगे। बोलो कोई ताली नहीं बजाई। बोले जब कथा रूपी गंगा में जब नहा लोगे ना, ये सारे चीज मिल जाएगी, उससे भी ज्यादा महत्व। बोले कैसे? समझो, गंगा में जाओ नहाओ, करोड़ों बार नहा लो, लेकिन गंगा तुम्हें कोई बात करेगी, भैया प्याज लहसुन क्यों खा रहे हो, ठाकुर को सेवा करो, ठाकुर का नाम जप करो, तिलक लगाओ, गले में कंठी पहनो, गंगा कोई बोलेगी तुमसे? बल्कि क्या करेंगे, वहां पर जाकर पाप धोकर आ जाएंगे, घर में आकर दो बार पाप करना शुरू कर देंगे, ज्यादा शुरू कर देंगे। बोले क्यों? गंगा नहा कर जाएंगे, पाप को धोएंगे, दोबारा आकर फिर दोबारा पाप करो। इसलिए भागवत में षष्ठ खंड में उदाहरण दिया, जैसे एक हाथी है, हाथी को तालाब में उतार करके बढ़िया से उसको स्नान करा लो, बढ़िया से। लेकिन हाथी का स्वभाव क्या जानते हो? जब फिर वो दोबारा ऊपर आएगा ना, सबसे पहले धूल ढूंढेगा, कहां पर धूल है, वो सारे धूल को मिलेगा नहीं ना, फिर प्यार में रोंद करके धूल बनाएगा, सब सूट में लेकर फर करके लगाएगा, उसको बाद में जाएगा, कहते तीर्थ क्या है, तीर्थ में गए थोड़ी दूर पाप खत्म हो गया, घर में आकर के फिर सास बहू में दोबारा लड़ाई झगड़ा, सास बहू की चुगली, चुगली बहू सास की, ससुर देवर की नंद, फिर वही दोबारा शुरू करते हो, फिर आकर दोबारा सारे फिर पाप करना शुरू कर दो। लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लेकिन एक कथारूपी गंगा में कोई स्नान कर लेगा ना, बस उसको जीवन ही परिवर्तन हो जाता है, हैं? इसलिए कहते भैया बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई। इसलिए कहते दुर्लभम मनुष्य जन्मम तेहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यहाँ श्री वसुदेव महाराज कह रहे हैं, बोले एक तो ये मानव शरीर दुर्लभ है, बोले दूसरा चीज क्या दुर्लभ है, बोले उससे दुर्लभ है जीवन में सत्संग बड़ा दुर्लभ है। शंकर जी पार्वती को भी कहते हैं, बोले क्या कहते हैं, बोले सत्संगति दुर्लभ संसारा निमि सदंड भर ए कौबारा। शंकर जी कहते पार्वती सत्संगति जगत में बड़ा दुर्लभ है। बताओ जैसे इनके घर में एक सत्संग हो रही, सारा दुनिया में, ये गांव का नाम क्या है, सिलारपुर, अभी कहीं किसी घर में सत्संग होती होगी, देखना किसी घर में चुगली निंदा चर्चा बुराई होती होगी, और कुछ होती नहीं होगी, हैं? कुछ नहीं होती होगी। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है, हैं? बिनु सत्संग विवेक ना होई। अगर जीवन में सत्संग हमें मिल गया तो क्या समझो, बड़ा पार हो गया। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती, बोले मंजर नफा ला देखाओ तत काला काक होई पीक बकाओ मराला। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती को, क्या कह रहे हैं, बोले पार्वती कथारूपी गंगा में अगर नहाओगे ना, अगर कौआ अगर कथारूपी गंगा में नहाएगा, वो कौआ नहीं वो कोयल बन जाएगी। कौआ देखे हो, कौन कौन जीवन में कौआ देखा, हाथ उठाओ तो आप बताओ तो कौआ का रंग कैसे है, बोलो जोर से, काला। कोयल देखे हो, बताओ कोयल का रंग कैसे है, काला है। दोनों का रंग तो देखने में बराबर है, लेकिन बोली में पूरा अलग है। कौआ अगर बैठ कर का 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 करने लग जाए ना, अरे कब से का का कान दर्द हो गया। लेकिन बसंत ऋतु में जो कोयल कूकती है कितने मीठी लगती है, हैं? कितने मीठी लगती है। यहाँ शंकर जी कहते पार्वती अगर कोई कथारूपी गंगा में स्नान करेगा ना, वो कौआ कौआ नहीं रह जाएगी, वो कोयल बन जाएगी। मतलब क्या है,
ये चीज को समझो, जैसे दो चार माताएं बैठ जाए हैं, इकट्ठे हो गए, क्या करेंगे? वो उसकी बहू की चुगली, वो उसकी सास की चुगली, सारा दुनिया की उल्टा पुल्टा, और संसार में तुम कैसे हो? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई बेटा से, बैठकर यही तो बात होती है, और क्या होगी? लेकिन जब वहां से उठकर जाओ ना, दुखी दुखी होकर जाओगे। लेकिन अगर कहते ये कौआ, जैसे कौआ का 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 करता है ना, कान दर्द हो जाती है, ये दुनिया की बात, ये कौआ की जैसे बात है। लेकिन जब कथारूपी गंगा में नहाओगे ना, वो कौआ नहीं रह जाएगा, कोयल बन जाओगे। कोयले क्या करती है, बसंत ऋतु में जैसे कूकती हैं, वो क्या करती हैं, फिर बैठ करके अगर सत्संग रूपी गंगा में नहाओगे ना, फिर दुनियादारी की चर्चा नहीं करोगे, बेटी बहू बात नहीं करोगे, किसकी बात करोगे? ठाकुर जी की बात करोगे, हैं, गिरिराज की बात करोगे, कन्या की बात करोगे, मोहन बाबा की बात करोगे, ठाकुर जी साधु संतों की बात करो। और साधु संत की संगम में हरि कथा सुनो तो मन शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, समझ रहे हो? इसलिए बढ़िया, बड़े भाग्य से आज हमें साधु संग मिला, जिस घर में संत हरि कथा हो जाए, पृथ्वी का सारे तीर्थ आ जाती, ठीक है ना? इसलिए क्या करना, घर घर में भक्तों को बुलाओ। लेकिन हम क्या करते जानते, भक्तों को नहीं बुलाते, जितने जुआड़ी गंजड़ी भंगड़ी शराबी को घर में बुलाते है ना, संतों को नहीं बुलाएंगे। क्यों? पैसा खर्चा हो जाएगी, पैसा खर्चा हो जाएगी। लेकिन गंजड़ी भंगड़ी जुआरी और जो मांस खाने वाले ना, उनको पीछे पैसा खर्चा करने के लिए कुछ नहीं होता है, लाख रुपया वहां खर्चा कर देंगे, लेकिन साधु संघ के लिए 100 रुपया भी खर्चा करने के लिए तैयारी नहीं रहती है वहां पर। इसलिए साधु संघ में नहीं बुलाओगे ना, फिर बच्चे क्या होगा? देखो, संतों को बुलाने से बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार पड़ती है, बच्चे गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे, फिर शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। जिस घर में साधु संत आए, साधु संग हरी चर्चा होना, वो बच्चे गलत रास्ता पर कभी नहीं जाएंगे, समझ रहे हो? लेकिन अगर जुआड़ी गंजड़ी भंगड़ी को बुलाओगे तो बच्चे जाएंगे गलत रास्ता पर, गलत रास्ता पर जाएंगे ही है। इसलिए भैया बुलाओ तो, पैसा लक्ष्मी है, पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी? नारायण की। ये चीज को समझो, अगर ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में लग रही है तभी तो ये लक्ष्मी घर में शांत सुख देगी। नहीं तो अगर नारायण की सेवा में नहीं लग करके साधु संघ में पैसा नहीं लगाओगे, गंजड़ी भंगड़ी शराबी मांस खाने वालों लगाओगे, तो लक्ष्मी दुखी दुखी हो जाएगी। भले ही तुम्हारी घर में अरब खरब रुपया आ जाए, देखना वो घर में शांति सुख नहीं रहेगी, क्योंकि तुम पैसा लक्ष्मी तुम भगवान की सत्संग में नहीं लगा रहे हो, वो गलत रास्ता पर तुम लगा रहे हो पैसा को है। इसलिए भैया अगर जीवन में शांति रख पाना चाहते हो, ये पैसा की सत्प्रयोग तभी जब घर में संत लोग आकर हरि कीर्तन हरि कथा करे। आज लक्ष्मी तुम्हारी घर में नाचती होगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की है, वो नारायण की सेवा में लगने पर ही लक्ष्मी खुश होती है, नहीं तो लक्ष्मी खुश नहीं रहती है। समझो आज तुम्हारी घर में सत्संग हो रहे ना, लक्ष्मी आज तुम्हारे घर में प्रसन्न है, लक्ष्मी घर में प्रसन्न है। इसलिए ताली बजा सकते हो, जिन्होंने घर में सत्संग रखवाया। तुम्हारे पति कहाँ चले गए? वो कहाँ गया? वो उसको बुलाओ इधर, बोले इधर बैठो, बोले हम तो चले जाएंगे फिर जिंदगी का काम करना, उसको बुलाओ इधर। हरे कृष्णा। हाँ देखो, इसलिए तुम कहाँ कहाँ घूम रहे हो, तुम्हारे घर में हम आए बैठो। इसलिए हाँ, इसलिए जीवन में आकर क्या करो, संतों की संग करो। एक समय से नारद जी, सुन लो, एक दिन नारद जी भगवान के पास में गए, बोले प्रभु दुनिया कहता है सत्संग करो, सत्संग की बड़ी महिमा। कहते ये सत्संग की क्या महिमा, ए बात मत करो, ए माताएं, ये माताओं का ना बुरी आदत है, बात मत करो वहां बैठ करके, कोई बात मत करो अभी, एकदम जो बात करा खड़े कर दूंगा उसको। इसलिए एक दिन नारद जी वैकुंठ गए, बोले प्रभु जी सब कहते सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग की क्या महिमा थोड़ा बताओगे? भगवान बोले ठीक है, काम करोगे? बोले क्या बताओ? बोले अमुक स्थान पर जाओ, एक गिरगिट है वो बताएगा। बोले गिरगिट क्या बोलेगा? बोले जाओ पूछो ना उसको, गिरगिट देखे कि नहीं? वो गए वहां पर, देखा सचमुच से गिरगिट, पूछा ठाकुर तुम्हारे पास में भेजे सत्संग की महिमा को समझने के लिए, बताओ। गिरगिट देना सर ऐसे हिलाता नहीं, गिरगिट दो चार बार पूछे इसे सिर हिलाया, दो चार बार पूछते ना गिरगिट वहीं पर शरीर त्याग दे दिया।
बोले ये तो मर गया, ये क्या बोलेगा। अरे वापस आया, बोले ठाकुर तो मर ही गया। बोले देखो बेटा और ये काम करो, अमुक स्थान पर जाओ, एक तोता तुमको संत की महिमा बताया। बोले तोता क्या बोलेगा, बोले जाकर पूछो ना। वहां पर गए, देखा तोता, तोते से जब दो चार बार पूछे ना, तोता भी शरीर छोड़ दिया। बोले ये क्या हो रहा है, जिसको पूछो ही मर जाता है, ये क्या बताएंगे। वापस आए, बोले ठाकुर जी दो प्राणी मरी गए। बोले बेटा और एक बार जाओ। बोले कहां पर, बोले अमुक स्थान पर जाओ, एक गैया बछड़ा जन्म दिया, वो बछड़ा बोलेगा। बोले बछड़ा क्या बोलेगा, बोले जाकर पूछो ना। सचमुच से देखा गैया बछड़ा जन्म दिया, उसको दो बार चार बार पूछा तो बछड़ा भी शरीर त्याग दे दिया। बोले ये क्या हो रहा है, जहां जाए सो मरते जा रहे। बोले प्रभु जी तीन तीन प्राणी मरवा दिया, मैंने सत्संग की महिमा पूछ रहा हूँ, आप तो सबसे मरवा रहे हो मेरे से। बोले बेटा लास्ट समय एक बार जाओ। बोले कहाँ, बोले अमुक राज्य में जाओ, राजा का एक बेटा जन्म लिया, वो बोलेगा। बोले हे भगवान, अभी तक तो तीन प्राणी मर गए, अगर राजा का बेटा मर गया, राजा तो सीधा जेल में बदल देंगे। बोले बेटा ये लास्ट है, सचमुच से वहां पर गया तो देखा राजा का बेटा जन्म लिया। लेकिन जो बेटा जन्म लिया, नारद पूछा, बोले भैया सत्संग की महिमा बताओ, दो चार बार पूछते ही बच्चा तो रोना शुरू कर दिया। बोला हो गया, इसका भी हो गया काम, इसका भी काम हो गया। नारद वास भगे, नारद भगे वहां से। अगर राजा को पता चलेगा बाबा आए हैं और बच्चा मर गया, मैं तो जेल में सीधा बंद कर देगा। नारद जब भगे, लेकिन वो क्या था, वो बच्चा तो जन्म लिया था, लेकिन बच्चा जन्म से ही गूंगा है। अब देखना, बच्चा जब जन्म लेता है ना, रोता है कि नहीं बच्चा। अब नहीं रोता है ना, क्या करते हैं, उसको मार मार करके रुलवाते हैं। बच्चा नहीं रोएगा तो परिवार रोएगा। बोले क्यों, अगर बच्चा जन्म से नहीं रोता है वो गूंगा है, वो बच्चा गूंगा है, वो बच्चा जन्म से ही गूंगा था। लेकिन जब साधु का दर्शन मिल गया नारद जी की, वो गूंगापन खत्म हो गया, उसका मुंह खुल गया। मुंह खुल गया तो जो दासी थी ना, भागते भागते गई राजा के पास में। बोले महाराज जी, आपको जो बेटा जो गूंगा था ना जन्म से, वो मुंह खुल गया है। बोले कैसे, बोले कोई एक संत आए थे, वो संतों को दर्शन करते ही वो गूंगापन खत्म हो गया। बोले बाबा गए कहां, बोले चले गए। बोले जल्दी जल्दी बुला करो बाबा को, बुला कर लाओ। पीछे भागे, बोले बाबा रुक जाओ, नारद तो भाग रहे हैं। बोले लगता है बच्चा मर जाएगा तो राजा जेल में बंद कर देंगे। हाँ वो तो भाग रहे हैं। बड़े कष्ट से जाकर के नारद जी को रोके। बोले बाबा आपको राजा बुला रहे। बोले क्यों, बोले बाबा राजा ही बोलेंगे, वो तो डरते डरते राजा आए। नारद जी आए, जब आए इतने में जो राजा है ना, संतों के चरण में गिर पड़े। बोले बाबा मेरा बच्चा जन्म से ही गूंगा था और बड़े कष्ट से एक बेटा घर में हुआ था, बड़े बड़े सालों के बाद में, लेकिन गूंगा तो था, लेकिन आपको दर्शन करते ही उसका गूंगापन खत्म हो गया है, गूंगापन खत्म हो गया उसका दर्शन मात्र से। इसलिए बाबा बच्चे को आशीर्वाद दो। जब आशीर्वाद दिया ना, देखो सुनो, वो बच्चा बोल पड़ा, बोले नारद जी समझ गए साधु संघ की महिमा। बोले नहीं, बोले अभी तक नहीं, नहीं समझे। बोले नहीं, बोले बताओ। बोले जो आप भगवान को पास में गए थे ना सत्संग की महिमा को समझने के लिए। बोले हाँ। बोले जब भगवान तुमको गिरगिट पास में भेजा था, पहले मैं वो गिरगिट था, लेकिन संतों का दर्शन हुआ, संत दर्शन से ही कहते, भगवत दर्शन से भी संत दर्शन दुर्लभ बताया। जैसे तुम्हारी घर में ठाकुर गोपाल की पूजा करते होगी, कभी गोपाल जी बात करते हैं तुमसे, कभी नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं जब मैं किसी जीव को पर कृपा करता हूं, मैं स्वयं उसको पास में संत बन करके आता हूं, आकर के मैं स्वयं उसको उपदेश देता हूं, हैं उपदेश देता हूं। इसलिए बोले भगवत दर्शन से भी संत दर्शन दुर्लभ। बोले पुंस अखनो सभी तुरजथा, जैसे सूर्य उदय होने पर सारे अंधकार दूरीभूत हो जाते हैं, संत दर्शन से क्या होता है, ऊपर का अंधकार तो दूर हो जाएगा, यहाँ तक भी हृदय के अंधकार भी दूर हो जाएगा। इसलिए बोले बाबा आपको दर्शन करते ही मेरे गिरगिट जीवन खत्म हो गया, फिर मैं अच्छे जन्म तोता जन्म मिला, फिर आप गए, आपको दर्शन करते तोता जीवन भी खत्म हो गया, फिर मैंने बछड़ा बन करके आई। कहते बछड़े को शरीर में जितना लोम है ना गैया का शरीर में, वो 33 करोड़ देवता की निवास है।
33 करोड़ देवता की निवास होता है, हैं? इसलिए कहते गैया जन्म के बाद में इंसान जीवन मिलता है। फिर आपको दर्शन मिलते शरीर छूटा, फिर मैंने राजा घर में जन्म लिया। किसको घर में? साधारण घर में नहीं, राजा घर में बेटा बनकर जन्म लिया। लेकिन पूर्व जन्म का पाप से मैं गूंगा था, लेकिन फिर जब आए ना आपको दर्शन करते मेरे सारे पाप खत्म हो गया और मेरी मोह खुल गई, मेरी मोह खुल गई। इसलिए बाबा मेरे ऊपर में आशीर्वाद करो। इसलिए बाबा साधु संघ की बड़ी महिमा है, सत्संग की, समझ रहे हो? इसलिए आज हमारी बड़ी अच्छा दिन है जो हमें भगवान की कथी कथा, संतों की दर्शन और भगवान की कथा हमें मिल रहे हैं, बड़े भाग्य से मिल रहा है। ठीक है, अभी प्रश्न है भैया हम संत हमें क्या दे करके जाएंगे जो कि इतने सत्संग की महिमा। हाँ, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सब सुनना, और ये स्टोरी सुनाने के बाद तुमको सब पूछूंगा, जो बोलेगा उसको इनाम दूंगा, जब नहीं बोल पाएगा ना खड़ी कर दूंगा बीच में। अच्छी तरह सुनो। बोले एक समय एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता नारी, रोज पति की चरण धोकर चरणामृत पीती थी, पति को बड़ी सुंदर सुंदर रोटी सब्जी चावल बनाकर खिलाती थी और पास में बैठकर पंखा झुलाए करती थी। करती हो कभी कभी तुम? नहीं, इसलिए पंखा झुलाए करती थी हैं? और पति आए तो चरण धोकर चरणामृत लेती थी, बड़ी सेवा करती थी, बड़ी पति परायण नारी थी हैं? पहले तो हिंदू संस्कारी होती थी, बड़े सती नारी हुआ करती थी, पति की बड़ी सेवा करती थी, और दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े आनंद में रहते थे हैं? एक दिन क्या हुआ, एक दिन नारद जी घर में आए। जब नारद जी घर में आए तो उन्होंने उनको प्रसाद बना करके उनको खिलाया। जब खिलाए नारद जी जब भोजन कर लिया ना, फिर उन्होंने जब ऊपर में देखा, देखा उसका यहाँ टीका नहीं, तिलक नहीं, देखा उसके गले में तुलसी की कंठी भी नहीं है, गले में कंठी भी नहीं, वो तिलक नहीं, मतलब है कोई विष्णु मंत्र में उसने दीक्षित नहीं है, कोई विष्णु मंत्र में दीक्षा नहीं है। जब कोई विष्णु मंत्र में दीक्षित होते हैं उनको तीन चीज मिलता है, गले में कंठी मिलती है, ये तिलक और ये भगवान की नाम उसको मिलता है, हैं? ये तीन चीज उनको मिलती है। लेकिन वो विष्णु मंत्र में दीक्षित नहीं। जब नारद जी ने देखा, हाय रे, जिसने विष्णु मंत्र में दीक्षा नहीं लिया उसकी हाथ का मैंने भोजन कर लिया, इसका मतलब है मेरे धर्म कर्म सब खत्म हो गया, मेरे धर्म कर्म खत्म हो गया। इसका मतलब है जब तक हमारी गले में तुलसी की कंठी नहीं और तिलक नहीं लगाए हैं, शास्त्र कहता है उनका हाथ का वस्तु ठाकुर भी स्वीकार नहीं करते हैं, संत भी उसका वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने उसको सामने उल्टी कर दी। क्या कर दिया? उल्टी कर दी। बोले क्यों? बोले जो वैष्णवी नहीं है उसकी हाथ का मैंने भोजन हमने कर लिया। अभी हमारे घर में कोई संत आए, अगर हमें कष्ट करके भोजन खिलाए फिर वो उल्टी कर दे, गले में कंठी तिलक नहीं, तो दुखी हो जाएगी कि नहीं? दुखी होगी कि नहीं? वो तो दुखी हो गई। बोले बाबा बताओ क्या करनी चाहिए, आप मेरे हाथ की वस्तुओं को ग्रहण करोगे? बोले देख बेटी, जब तक कोई विष्णु मंत्र में दीक्षा नहीं लेते हैं, गले में कंठी तिलक नहीं, उसका हाथ का वस्तु हम ग्रहण नहीं करते। बोले बाबा हमें दीक्षा मंत्र दो, हमें दीक्षा मंत्र दो। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं, हैं? बल्कि वहां पर कहते हैं विष्णु मंत्र दीक्षा भिन्न जे, हैं? शंकर जी कहते हैं पार्वती अगर कोई विष्णु मंत्र में दीक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, हे बामरु, हे पार्वती, कहते उसको क्या होता है, उसको जितने सारे सेवा पूजा उसको निष्फल हो जाते हैं। बोले पशु जोनी अपनुवाद, अगली जीवन में जो विष्णु मंत्र में दीक्षा नहीं लिए ना उनको पशु जीवन में जाना पड़ता है। ये शंकर जी पार्वती को ये बात कहते हैं, हैं? इसलिए बोले बाबा हमें दीक्षा मंत्र दो। तो उन्होंने दीक्षा मंत्र दिया। बोले बाबा कुछ उपदेश दो। बोले देखो बेटी, जो विष्णु मंत्र में दीक्षा नहीं लिए है ना उनसे थोड़ा दूर रहा करो, उनसे दूर रहा करो, हैं? और उनका हाथ का वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए, और अगर तुम्हारे की कोई विशेष जरूरत होता है ना मेरे को बुलाना, मैं आ जाऊंगा। बोले आ जाएंगे गुरु जी। बोले कोई बेटी कोई चिंता मत करो। नारद जी दीक्षा मंत्र दिए और दीक्षा मंत्र देकर चले गए। थोड़ी देर बाद में पति देव आए। जब पति देव आए वो रोज पति की चरण धोकर चरणामृत लेती थी, लेकिन गुरु जी ने क्या बोले,
अगर जो दीक्षा मंत्र नहीं लिया उनको पास से दूर रहना। अभी उसने किया कि पति को ना जैसे पास में जाकर चरण धोती थी, अभी वो क्या कर रही है, दूर से फेंक करके पानी दे रही, उसको चरण में पानी दिया लेकिन दूर से फेंक करके। लेकिन जब उसको बैठा भोजन करने के लिए, उसको पास में नहीं गया, थाली को सरका करके दी, थाली को सरका करके दूर से दी और बोले देखा आज से मेरे साथ में तू सो नहीं सकते हो, तुमने विष्णु मंत्र दीक्षा नहीं लिया, गुरु जी बोले दूर रहना, दूसरे घर में सोना। बोले हे भगवान ये कौन, बोले कौन बाबा कौन सा मंत्र देख रहे पता नहीं, मेरे पति का बुद्धि खराब करेंगे। बोले भैया तेरे गुरु जी हो कौन, तेरे गुरु जी कौन, बोले नारद जी। बोले नारद जी तेरे गुरु जी, बोले तुम्हारी गुरु जी को थोड़ी सी बुलाओगे, मैं फिर देखूंगा, मैं भी दीक्षा मंत्र लूंगा। बोले हाँ गुरु जी मेरे को बोल कर गए, जब जरूरत पड़े मेरे को बुला लेना। तब उन्होंने गुरु जी को स्मरण किया, बोले गुरु जी आप कृपा करके थोड़ा दर्शन दो। बोलते ही ना नारद झट प्रकट हो गए, चमत्कार को नमस्कार है। जब देखा बोले वाह क्या गुरु जी, स्मरण करते ही गुरु जी आ गए, बड़ा आश्चर्य की बात है। तब उन्होंने बोले गुरु जी अब मेरे को भी दीक्षा मंत्र दो, हैं मेरे को भी दीक्षा मंत्र दो, मैं भी दीक्षा मंत्र लेकर भजन करना चाहता हूँ। बोले बेटा जा गंगा में नहा कर गया। जब गंगा में नहाने करने के लिए गए, उनको कुछ यार दोस्त थे, उनको पूछे तू तो थोड़ी देर पहले तुम्हें नहा कर गया, फिर दोबारा क्यों आए। बोले गुरु जी बोले दीक्षा मंत्र लेने के लिए, मेरी पत्नी को दिया दीक्षा मंत्र और मेरी पत्नी पानी फेंक करके दूर से देती है, भोजन दूर से पास में सुलाती नहीं, इसलिए मैं बोला मैं भी दीक्षा मंत्र लूंगा। देखो ध्यान देकर सुनो, जगत में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे बिगाड़ने वाले, सवारने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, जुआ शराब मांस खिलाने वाले जगत में बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन बुद्धि को सुधारने वाले ऐसे दोस्त नहीं मिलेंगे। हैं जब उसने देखा भैया ये अगर दीक्षा मंत्र ले लेगा ये भी हमसे दूर रहेगा, जब एक साथ में बैठ करके ताश खेलते हैं, हैं शराब पीते हैं मांस खाते हैं अड्डा मारते तो होगा नहीं। उन लोगों ने किया कि बोले अभी पितृपक्ष है, अभी इतना जल्दी मंत्र लेने का क्या जरूरत है, तू थोड़ी अभी मर रहे हो, अभी दीक्षा मंत्र मत लिया कर, रुक जा थोड़ी देर। हैं अब देखना एक घर बनाने के लिए कितना कष्ट है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए कितना समय लगेगा, बोल्डर लाओ एक दिन में तोड़ देगा, लेकिन बनाने के लिए एक साल लग गया होगा, लग गया कि नहीं, ज्यादा लग गया ना, ज्यादा लग गया, लेकिन तोड़ने के लिए बोल्डर लाओ। उसी तरह भक्ति का जीवन बनाने में बड़ी कठिनी है, लेकिन बिगाड़ने के लिए समय नहीं लगता है। एक दिन में कोई असत संकल्प पास में दुष्ट व्यक्ति को पास में बैठ जाओ, ए इस गला में क्या कंठी तिलक लगाए, क्या जरूरत है तिलक कंठी लगाने का, इतने लंबे लंबे तिलक गले में कंठी, इस माला दिन भर कोई काम धंधा नहीं, तुम माला लेकर कर रहे हो, टीवी देखो, सास बोई की लड़ाई झगड़ा देखो, बात करो, है ना, जगत में ऐसे है कि नहीं। जगत में प्रपंच लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रभु की भजन में लगाने वाले व्यक्ति कम मिलेंगे। उनको बुद्धि बिगाड़ दिया, बुद्धि बिगाड़ दिया उसने, बोले रुक जा अभी क्या ले रहे हो। उसने आकर के बोले गुरु जी मैं कुछ दिन बाद में दीक्षा मंत्र लूंगा, लेकिन क्या हुआ कुछ दिन बाद में मरी गए। वो दोनों ही मरे, जब मरे पत्नी तो गुरु दीक्षा ली हरिनाम ली, उसने विदर्भ देश में राजकुमारी बनकर के जन्म ली और इतने सुंदरी बनकर के जन्म हुई जैसे विश्व सुंदरी जैसे, और बचपन से प्रभु के प्रति प्रेम भक्ति, क्यों जो भक्ति है वो कभी घट करके नहीं भक्ति बढ़ करके प्रकट होती है। इसलिए मीरा कहती है ना बोले दीन दीन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि की भक्ति जो हरि नाम भजन कर रहे हो अगली जीवन में ब्याज समेत तुम्हें मिलेगी, वो घट करके नहीं जितने भक्ति भजन कर रहे हो। इसलिए देखना भारत में जो कोई व्यक्ति मर जाते हैं चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, देखे कि नहीं, क्या बोलते हैं राम नाम सत्य है, यही बोलते ना गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, हैं कि जितने भजन किया वही जा रहा है, इसके सिवाय जो इकट किया है ना एक सुई धागा भी नहीं जा रहे हैं। पत्नी जाएगा तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, उसको आगे नहीं, परिवार जाएंगे तो शमशान तक खोपड़ी में घी भर करके फोड़ करके वापस आ जाएंगे,
टा टा करते करते आगे क्या जाएगा, जितने हरि का नाम लिया, जितने हरि का वही केवल साथ में जा रही है। और यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ यहाँ से नहीं जा रही है, हैं? इधर क्या हुआ, लेकिन वो तो विदर्भ देश का राजकुमारी बन करके बड़ी सुंदरी बनकर जन्म लिया, लेकिन पति ने दीक्षा मंत्र नहीं लिया विष्णु मंत्र में, उसने वहां की इसी राज्य में हाथी बनकर जन्म लिया। क्या बनकर के? ये शंकर जी कहते हैं, बोले पशु जोनीम अपनुआत, जो गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं किया उसको अगले जीवन में जानवर जीवन में जाना पड़ेगा, इसलिए वो जानवर जीवन में जन्म लिया, हाथी बनकर के जन्म लिया। जब हाथी बनकर के जन्म लिया, अभी राजकुमारी हो गई बड़ी, पहले क्या होता था स्वयंवर सभा होता था, जानते हो स्वयंवर सभा, बड़े बड़े राजा लोग, जैसे सीता जी की स्वयंवर सभा हुई, द्रौपदी की हुई, देखे कि नहीं टीवी में, हाँ बड़े बड़े राजा आते थे, वो राजकुमारी अपना पसंद जैसे पति को माला डालती है। अब लड़की तो बड़ी सुंदरी थी, प्यारी थी, सारा दुनिया के राज्य के लोग आए, क्योंकि उसको पढ़ना चाहते थे। राजकुमारी माला लेकर गई, किसको गले में माला डालेगी, लेकिन वो तो भक्ति की ना पहले संस्कार है, लेकिन वो देखा दूर में वो हाथी है, वो पहचान गया ये तो मेरे पूर्व जन्म का पति था, लेकिन उसने दीक्षा मंत्र नहीं ली असत संग की संग से, इसलिए उसने ये हाथी जन्म में गया, लेकिन उसने जानते हो माला को क्या किया, वो माला लेकर के ना हाथी के गला में डाल दिया, अपना हाथी गला में डाल दिया। जब डाल दिया, इतने में जितने वहां लोग थे ना, बड़े जोर से ठाल लगा करके हंसे, इतने सुंदर सुंदर राजा बैठे हुए, और उसने माला को हाथी के गले में दिया है, इतने में राजा बोले, राजा बेटी तुमने की क्या की, हाथी के गले में माला कैसे दे दिया? बोले पिताजी ये पूर्व जन्म में मेरे पति थे, लेकिन इन्होंने, मैं तो नारद से दीक्षा मंत्र लिया, इसलिए अब की बेटी बने राजकुमारी बनकर के जन्म हुई, विश्व सुंदरी बनकर के, लेकिन और इसने दीक्षा मंत्र नहीं लेने का नाते ये हाथी बनकर के जन्म लिया। बोले बेटी अभी क्या होगा, क्या तू हाथी से शादी करोगे? माला तो हाथी के गला में डाल दिया ना, तू क्या हाथी से शादी करोगे? बोले पिताजी मेरे गुरुजी बड़े दयालु बड़े कृपालु, मेरे गुरुजी बोले अगर जब जरूरत पड़े मेरे को याद करना मैं आऊंगा। बोले गुरुजी कौन? बोले नारद जी। बोले याद करो, जब उन्हें नारद जी को याद किया ना, बस नारद जी झट वहां प्रकट हो गए, झट नारद जी प्रकट हुए गए। बोले बेटी क्या चाहती है? बोले गुरुदेव मेरे पति जी को बड़े कृपा करो, उसने दीक्षा मंत्र नहीं लेने का नाती ये हाथी बन करके आए, इसलिए इसको बड़े कृपा करो। नारद जी जब सर पर हाथ रखा ना, हाथी शरीर बदल गया, हाथी शरीर बदल गया संतों की कृपा से, बड़े सुंदर राजकुमार बनकर प्रकट हुआ, राजकुमार बनकर प्रकट हुआ। और इतने में उसने नारद जी को चरण में गिर पड़े, बोले बाबा और देर नहीं, पिछले जीवन में ये असत संग से प्रभाव से मैंने दीक्षा मंत्र नहीं लेने का नाते हाथी बना, अभी और नहीं, इसलिए कहते ना कल कर सो आज करो और आज कर सो अब, कहते पल में प्रलय होएगी बहुरी रहेगी कब, जो भक्ति कल करना चाहते कल नहीं आज करो, बोले आज नहीं अभी, क्योंकि पल में प्रलय हो जाती है, हैं? लेकिन हमने किया क्या, उसको उल्टा कर दिया, बोले आज करो सो कल करो और कल कर सो परसो, जल्दी जल्दी क्या करते हो, पढ़ा रहा है परसो, हाँ अभी इतने जल्दी क्यों कर रहे हो, हैं? अभी से भजन क्यों करे, हम थोड़ी अभी मर रहे हैं, बुढ़ापा में भजन करेंगे? भैया बुढ़ापा किसी ने देखा, उसको पहले अगर राम नाम सत्य हो गया तो गया, गए अभी कोरोना में कितने लोग गए, किसको पता था इतना जल्दी चले जाएंगे, गए कि नहीं? कहते भैया निश्वास से नैव विश्वास, ये निश्वास हमने छोड़ा है ना, दूसरा बार भी ले पाएंगे, किसको पास में कोई गारंटी क्या है, आप बताओ, किसके न्यूज पेपर पढ़ते हो, न्यूज देखते होंगे, गाड़ी में जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, बैठ बैठ कर हार्ट अटैक तो हो गई, बैठी बैठी कर खत्म हो गया, देखे कि देखते कि नहीं कितने सारे न्यूज है, इसलिए उन्होंने बोले बाबा जितने जल्दी, ए बच्चों को अलग कर दो वहां से, बच्चों को अलग करो, इसलिए उन्होंने बोले जितने जल्दी हमें के दीक्षा मंत्र, तो फिर दीक्षा मंत्र लिए दोनों पति पत्नी भजन करके क्या किया, दोनों भगवान को पास में चले गए, समझ रहे हो? इसलिए क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, गले में तुलसी की माला पहनो, क्योंकि जैसे ठाकुर जी को जो कुछ अर्पण करते हो अगर उसमें तुलसी पता नहीं देते है ना,
देखना ठाकुर जी ग्रहण उसको नहीं करते, इसलिए गले में जब तक तुलसी कंठी धारण नहीं करेंगे, बैठो बोले, जब तक गले में तुलसी कंठी धारण नहीं करेंगे ना, कभी ये शरीर तब तक पवित्र नहीं होता है, हैं? हमारे जो शरीर है टाटी पेशाब खून थली का ही शरीर है, शरीर में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जब गले में कंठी पहन लेते हैं जिसे ठाकुर का ये शरीर समर्पित हो जाता है, हैं? कहते ना छापान भोग छत्री से बेजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी है, इसलिए भगवान तुलसी के बगैर ग्रहण नहीं करते, इसलिए गले में कंठी जरूर पहना करो। और जो तिलक है ये तिलक भी लगाया करो, टीका भी लगाया करो, है क्यों आप लोग क्यों क्या जरूरत टीका लगाने का, जैसे यहाँ पर कुछ माताएं बैठे हो, कुछ साधवा भी बैठे हो, कुछ विधवा भी बैठे हो, है कि नहीं, हमें कैसे पता चलता कोई साधवा कोई विधवा है, जो साधवा है सिंदूर लगाए मांग भरी नाक में बेसर चूड़िया पहने हो, है सूट सलवार बढ़िया रंग बेरंग का पहन कर बैठे हो, पता क्या चलता है ये साधवा है, साधवा है। कहते भैया जो दुनिया की पति के लिए तुमने इतने मांग भर ली सिंदूर लगा ली, दो दिन का पति तीन दिन में खत्म हो जाएगी, जो पति का जो पति परम पति उसके लिए तुमने क्या लगा कर रखे हो, क्या चिन्ह तुम्हारी पास, इसलिए ये जब महाराज कह रहे हैं बोले ललाटे तिलकम, जो भगवान की भक्त हैं जब दूत वो कह रहे हैं बोले जो भगवान की भक्तों को मेरे पास से बदलाया करो, जो भक्ति नहीं करते उनको लाना, बोले पता कैसे चलेगा, बोले तीन लक्षण देखे, बोले ललाटे तिलकम, तिलक ललाट में ऊर्ध पुंड धर्म मर्त्यम, उसको ललाट में ऊर्ध पुंड तिलक देखोगे, हैं जैसे कृष्ण राम नारायण को देखे हो, ठाकुर भी ऊर्ध पुंड तिलक लगाए, हनुमान जी को देख लेना गणेश जी को देख लेना सब तिलक धारण किया, बोले कंठे त्रिकंठिका गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं और भगवान की नाम जप करते हैं, भगवान की नाम जप करते हैं, अगर ऐसे किसको देख लेना तो उनको प्रणाम करना, समझ जाना ये भगवान के ठाकुर जी की भक्त है, हैं? और जिसके गले में कंठी तिलक माला नहीं ना, बोले तान अन धम, बोले उन उन दुष्टों को पकड़ पकड़ कर मेरे पास में ले आना, ताम अन धम असत अकृत विष्णु कृत्या, जो दीक्षा मंत्र में दीक्षित नहीं है उनको ही पकड़ करके ले आओ, ठीक है ना, इसलिए गले में कंठी धारण करना। और जो तिलक लगाते हैं देखो पुराण क्या कहता है, बोले लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा नित्य तस्यम भवेत देहे जस्य पद्माकित तनु, जो व्यक्ति ये तिलक लगाते हैं उसको शरीर में कौन, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा बोले गया गंगा कुरुक्षेत्रम, उसको शरीर में गया गंगा सारे तीर्थ निवास करते हैं जो तिलक धारण करते हैं, हाँ? जो तिलक धारण करते हैं बोले ब्रियत जत्र कुतचित, भगवान कहते हैं जो ये तिलक लगाते हुए कहीं भी शरीर त्याग करेगा बोले स्वपाक अभी महियते, वो व्यक्ति चंडाल क्यों नहीं हो मम लोक महियते, भगवान कहते मेरे दिव्य गोलोक वृंदावन में आएगा, भगवान खुद कहते हैं। हम लोग तो हिंदू है, देखना जैसे कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं ना तिलक लगा कर भेजते, बोले चिक नहीं बेटा ध्यान तुम्हारी विजय, ये विजय तिलक तुम्हारी काम बन जाए, ठीक है ना, सबके सब टीका लगाना तिलक लगानी, ठीक है, और गले में तुलसी की कंठी पहनना। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं, कहते हैं कि पालतू और एक फालतू है, कैसे पता चलता पालतू फालतू है, बोले जो पालतू कुत्ते है ना देखने गले में पट्टा बंधा रहता है ना, देखने से पता चलता है किसी घर की कुत्ते है, और फालतू कुत्ते बिने पट्टे के जो रोड रोड घूमते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं फालतू को कोई छोड़ता नहीं, अगर हमारे गले में कंठी है तो किसके पालतू हो, बांके बिहारी की पालतू है, अगर गले में कंठी नहीं तो क्या बन गई, अरे बोलो हाँ बता, पालतू बनोगे ना फालतू बनोगे, हाँ इसलिए सबके सब फालतू नहीं बनकर पालतू बना, गले में तुलसी कंठी हो, ठीक है ना, देखो तुलसी कंठी जो धारण करते है ना, सुन लो अभी कोरोना आया था ना, कोरोना आई थी सबसे पहले जो कोरोना के लिए जो दवा निकाला रामदेव बाबा ने, कोरोना नील निकाला था सबसे पहले, आप उसको पढ़ करके देखना उसमें 80% तुलसी थी, 80% तुलसी, कोरोना सब जगह पर गई, आप लोग न्यूज पढ़ेगी नहीं लेकिन एक जगह पर कोरोना गई नहीं, वो था हिमाचल में एक गांव में कोरोना नहीं गई, तो मीडिया लोग वहां पर पहुंचे, भैया कोरोना तो सब जगह में व्याप्त किया लेकिन वो गांव के लोग फ्री घूम रहे, बोले भैया यहाँ कोरोना क्यों नहीं आया, मीडिया लोग वहां पर पहुंचे, वहां जाकर देखा हर घर घर में 20-20, 25-25, 30-30 तुलसी के पौधा है,
हर घर में गांव में तुलसी तुलसी पौधा है, इसलिए ये तुलसी में इतने शक्ति है, वो करुणा भी वहां पर नहीं गई। इसलिए जो व्यक्ति गले में कंठी धारण करते हुए ना स्नान करो, इसका पानी सारा शरीर में जाएगा, बहुत सारी बीमारी भी खत्म कर देती है, निकाल देती है, हैं? शास्त्र बताया जो गले में कंठी धारण किए हैं, स्नान करते हैं, पृथ्वी का सारे तीर्थ हम उसका नहाने का फल मिल जाता है। इतने महिमा तुलसी कंठी की, ठीक है ना, सबके सब गले में कंठी पहनो, कोई फालतू नहीं रह करके सबके सब बांके बिहारी की फालतू बन जाना, और टीका लगाना, और क्या करना, हरि की नाम जप करना, हरि का नाम जप करना, और यही अंतिम समय में हमारी काम में आएगी, ठीक है। एक बार सबके सब हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, सबके सब मेरे पीछे ताली बजा करके, देखो मेरे पीछे पीछे बोलना, आगे नहीं पीछे पीछे बोलना, ठीक है। देखो इसमें जो हरे कृष्ण है ना, हरे मतलब क्या, ध्यान देख रहे सुनो, हरे मतलब होता है हमारी जीवन का दुख कष्ट को जो हर ले, क्या करे, जीवन का दुख कष्ट को जो हर ले। कृष्ण मतलब क्या है, देखना हमारी मन बड़ा चंचल भटकता है, मन को शांति नहीं मिलती है, लेकिन जब कृष्ण नाम लोगे ना, ये अशांत मन को शांति मिलेगी, क्या मिलेगी, राम जब बोलोगे क्या होगा, जीवन में आराम मिलेगा, क्या मिलेगा जीवन में, आप बताओ जीवन में हम क्या चाहते, यही तो चाहते है ना, और क्या, और कुछ चाहते हो क्या, यही चाहते, जीवन का दुख कष्ट दूर जाए, जो अशांत मन को शांति मिले और जीवन में हमें आराम मिले, यही चीज चाहते है ना, ये हरि का नाम से यही चीज मिलेगा तुमको, यही चीज मिलेगा प्रभु के नाम, इसलिए कहते ना सब दुख दूर जाए जब तेरा नाम लिया है, इसलिए सब ताली बजा तो ये हरि नाम करो, इससे हमारे सारे दुख चले जाए, ठीक है। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलो सब जब से। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, ताली बजाते हुए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे वन गोपाल राधे, गोविंद राधे वन गोपाल राधे,
इधर सुनो, ध्यान दे करके देखो, हमने जो बताया ना, गले में कंठी धारण करनी चाहिए, तिलक लगानी चाहिए, लेकिन इसमें एक नियम भी है। बोले क्या नियम है? बोले गले में कंठी धारण करने के लिए गंदी चीज को छोड़ना पड़ता है। हैं? मुझे लगता है आप लोग तो यहाँ कोई मांस मछली खाते नहीं होंगे, अंडा नहीं खाते होंगे, कोई खाते हो? नहीं खाते ना, सफेद आलू तो नहीं खाते हो इसलिए। लेकिन एक चीज खाती है कोई कोई, लगता है प्याज लहसुन कोई कोई खाते होंगे ना, खाते हो प्याज लहसुन? सही सही बोलो, कौन कौन खाते हो, हाथ उठाओ, कौन कौन खाते हो? देखो ये चीज, देखो ये चीज को क्यों नहीं खानी चाहिए, अच्छे तरह से सुन लो। हरे कृष्णा, इसको क्यों नहीं खानी चाहिए? बोले कारण है कि जो प्याज लहसुन है ना, ये तामस की भोजन है। जैसे देखना, जैसे नवरात्रि आती है, आप लोग रखते होंगे ना नवरात्रि, अब 9 दिन तो कोई प्याज लहसुन खाते हो? क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि माता जी को पसंद नहीं, तभी तो नहीं खाते हो। क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो, फिर खा कर नाराज कर लो? 9 दिन तक तो दुर्गा दुर्गा, फिर मुर्गा मुर्गा। इसलिए इसलिए जो चीज माता जी को पसंद नहीं, जो चीज मोहन बाबा को भोग नहीं लगता है, जो चीज ठाकुर जी को, गिरिराज को, गोपाल जी को भोग नहीं लगता है, वो चीज हमें भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, देखो ध्यान देकर सुनो, ये प्याज लहसुन कहाँ से आया है, अरे हमारी घर में कैसे आई, इसको अच्छे तरह से सुन लो। ये मुसलमान लोगों ने सब चीज को, मुसलमान लोगों ने लाए, ये मुसलमान ने देखा, ये हिंदू तो हर मांस खा लेते हैं, लेकिन गो मांस नहीं खाते। खाते कोई हिंदू गो मांस? नहीं खाते, क्यों? गो गैया को हम देवता रूप में पूजा करते हैं, इसलिए ये गो मांस नहीं खाते। उन लोगों ने देखा, अगर इनको किसी तरह से गो मांस खिला दिया जाए ना, इनके धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए उन लोगों ने हमारे पुराणों को ढूंढा, कहां पर क्या लिखा हुआ, वहां पर लिखा हुआ है, ध्यान देकर सुनो। बोले पहले ऋषि लोग आश्रम में गैया पालते थे, गौ माता है, जब कोई गैया बूढ़ी हो जाती थी उसको मरने नहीं दिया करते थे, क्यों? गौ माता है। क्या करते थे, यज्ञ के अनुष्ठान करते थे, वो गैया को यज्ञ में बलिदान देते थे, सभी का हाथ में मांस दे देते थे, अब बोलते थे सबके सब आहुति डालना है यज्ञ कुंड में। लेकिन इनके पास में इतने मंत्र शक्ति होती थी, जो 2 बार मंत्र पढ़ते थे फिर बूढ़ी गैया फिर जवानी हो जाती थी। तब उन्होंने कोई गैया बूढ़ी हो गई, गैया को बलिदान दिया, सबका हाथ में मांस दे दिया। हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसने ये मांस को देख करके ना खाने की इच्छा हो गई, बोले सबको सामने कैसे खाऊं, जब सबके सब चले जाएंगे ना फिर खाऊंगा, छुपा दिया राखों में, सबके सब आहुति डाले, ऋषि ने मंत्र पाठ किया, जो बूढ़ी गैया थी ना वो पूरा जवानी हो करके निकली। क्या बनकर निकली? जवानी हो करके। लेकिन जिस अंग का मांस को उसने छुपाया था ना, वो भरा नहीं, वो घाव बना हुआ, और ऋषि तो साधारण थे नहीं, ध्यान लगाया, पूरा शरीर भरा पड़ा हुआ, खाली कैसे अंग रह गया, घाव कैसे, ध्यान लगाया
किसने मांस खाने के लिए छुपाया? ऋषि ने अभिशाप दिया। बोले जहां पर ये मांस को गाड़ दिया, मांस जैसे लाल लाल रंग के, वहां पर प्याज भी पौधा जन्म होगा, तेना प्याज भी लाल लाल रंग के। जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, आप देखना कच्चा प्याज खाओ मुंह से बदबू आती कि नहीं? अगर यहाँ प्याज कटेगी पता चल जाएगा कहीं प्याज कट रही है। किस घर में प्याज की छोंक दो, देखना घर घर में बदबू फैल जाती, बदबू फैलती कि नहीं है? क्योंकि उसका जो सृष्टि है ना, वो सृष्टि गंदी चीज से हुई है। बोले जहां पर हड्डी गिरी पड़ा वहां पर लहसुन की पौधा होगी, और जहां पर खून की बूंद गिरा वहां पर मसूर डालोगा। तुम खुद देख लेना, तुम्हारी परिवार में भी एक दो पीढ़ी पहले इसको कोई नहीं खाते थे, क्योंकि हर हिंदू घर में ठाकुर को भोग लगता था, ठाकुर जी को, कृष्ण को, मोहन बाबा को भोग लगता था, ठाकुर जी को तुम खाते थे ना, यही तो करते थे हैं, इसलिए कोई नहीं खाते थे। लेकिन ये मुसलमानों ने धीरे 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 ला ला करके ना हमें खिला 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 करके वो मांस खिला दिया। कुछ दिन बाद मांस प्याज खाकर पेट नहीं भरेगा, बोले अंडा ले आ, फिर अंडा लेके खाकर पेट नहीं भरेगा, बोले मांस ले आ, वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। ये घर में धीरे 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 आदत बिगड़ती है, धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। इसलिए और एक चीज को समझो, भगवान को जो चीज भोग लगता है, कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले हे अर्जुन, बोले प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाते हैं उसको घर में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा, कृष्ण खुद कहते हैं। लेकिन जो मेरे को भोग नहीं लगाते हैं, बोले भुंजते तू अघम पापा, वो केवल पाप भोजन करते हैं जो भोग नहीं लगाता है। हैं, सुदामा का नाम सुने हो? कौन कौन सुदामा का नाम जानते हो? सब जानते हो, टीवी में देखे होंगे। पहले देखना ये दरिद्र था, बाद में ये धनी बना है ना। क्यों पहले दरिद्र था? बोले जब ये गुरुकुल में कृष्ण सुदामा जा रहे थे, गुरु माता सुदामा जी को चना दिया था, बोले बेटा कृष्ण को देख रहे खाइयो, अब देखे कि नहीं टीवी में? लेकिन सुदामा क्या पेड़ ऊपर चढ़ करके छुप छुप कर खा रहा था। बोले मेरे को बिना दिए खाए गरीब भोगना पड़ेगा, और इतने गरीब घर में। लेकिन जब धनी का बने, जब फिर ठाकुर को दर्शन के लिए गए, दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, दो मुट्ठी खाए, जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़, नहीं आपने दो मुट्ठी खा लिया मतलब उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे तो मैं घर में दासी बनूंगी। अब टीवी में देखेंगे नहीं, जब सुदामा घर में आता है क्या देखता है? सोने की महल, पत्नी रानी राज रानी बन करके बैठी हुई, वो पहचान नहीं पा रहे, पत्नी आरती उतारने के लिए आई है, पीछे सर करा है। बोले ये राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रही है? ये राजकुमारी मेरे तरफ में, सुशीला बोले मेरे को पहचान नहीं रहे। बोले तुम कौन हो? बोले तो मैं आपको वही सुशीला। बोले सब क्या है? बोले ठाकुर के लिए दो मिनट चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर तो खाया था राता राती ऐश्वर्य दे दिया। मतलब है अगर ठाकुर को देख कर खाओगे ना, माँ लक्ष्मी की भी कृपा होगी। बताओ पैसा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, लक्ष्मी के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। अगर चाहते हो घर में लक्ष्मी की कृपा हो, हैं, क्या करो, ठाकुर को भोग लगाओ। लेकिन अगर प्याज लहसुन अगर डालोगे तो भोग नहीं लगा सकते, ठीक है? क्या करना? प्याज लहसुन को, अरे बोलो, छोड़ दो, ठीक है? सबके सब प्याज लहसुन छोड़ देना, कोई खाना नहीं प्याज लहसुन। आप बोलोगे पति मानेगा नहीं, पति नहीं मानेगा। लेकिन देखो रोज रोज ना धीरे 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 पति को मत कहा करो प्याज लहसुन नहीं डाला, थोड़ी हींग में, छोंक में हींग डाल देना है। गरम मसाला आता है, कितने तरह का गरम मसाला आती है, समझ रहे हो? कितने तरह का गरम मसाला आती है, बढ़िया से चटर बटर बनाओ। चटर बटर खाना चाहते है ना, चटर बटर तो बना, तुम्हारी हाथ में सब कुछ तुम्हारी हाथ में ही है, और इतने बढ़िया चटर बटर बना पति को पता ही नहीं चले भैया प्याज लहसुन डाला कि नहीं। बोलना नहीं पति को अपने प्याज लहसुन नहीं डाली, समझ रहे हो? इधर सुन लो, ध्यान देकर सुनो। एक माता जी ने मेरे से हरिनाम लेकर गई, हरिनाम, ए बात मत करो ए डोगरिया। इसलिए एक माता जी मेरे से हरिनाम लेकर गई, मैंने कहा देखो गले में कंठी पहन लियो, अब प्याज लहसुन नहीं खाना। बोले पति मानेगा? बोले पति को तो बोलना नहीं, और थोड़ी सी चटर बटर बना कर, जब पति कभी कभी बीच में प्याज लहसुन लाता था, प्याज वो क्या कर छुपा कर रख लेती थी, लेकिन बोलती नहीं थी मैं प्याज लहसुन डाला नहीं, वो बोलती नहीं थी। और हींग छोंक दे करके, जीरा की छोंक और बढ़िया करके मसाला डाल करके, जो एक महीना हो गया ना,
जब एक महीना हो गया उसको पता चला ये प्याज लहसुन डाली नहीं, बोले तू प्याज लहसुन नहीं डालती हो, बोले नहीं, तो एक महीना हो गया, बोले मेरे को पता ही नहीं चला, मेरे को पता ही नहीं चला तुमने प्याज लहसुन डाली नहीं, समझ रहे हो। इसलिए अगर चाहते हो तुम लोग घर की सब लक्ष्मियां हो, घर की लक्ष्मी तुम लोग हो, अगर चाहते हो घर में लक्ष्मी की कृपा हो ना, खाने में प्याज लहसुन मत डाला करो, कोई अलग खाना चाहते अलग काट कर दे दो, अब बोल देना गुरु जी बोले ठाकुर को भोग लगा करे खाने से लक्ष्मी की कृपा होगी, घर में शांति सुख रहेगी भगवान को भोग लगाने से, समझ रहे हो। पति को समझाना है सब चीज को, अगर अलग खाए तो बोला अलग खाओ, ठाकुर को तो हम भोग लगाएंगे, ठाकुर को भोग लगाने पर घर में शांति सुख आती है, ठीक है। इसलिए हरि नाम करो, भजन करो, जीवन में शांति सुख में रहो। कुछ माला लाए हो कितना, इधर सुना किसको किसको पास में माला नहीं है, जो जप करने का माला किसको पास में नहीं है, हाथ उठाओ, एक एक माला देख रही जाऊंगा, सबके सब हरि नाम करना, हरि के नाम करना, किसको पास में नहीं, हाथ उठाओ सबके सब, किसको पास में, जिसको पास में नहीं है, किसको पास में नहीं है माला, नहीं है ना, हाँ एक एक माला ले जाइयो सबके सब, ठीक है, एक एक माला ले जाना। और जो, अरे बात मत करो, जो प्याज लहसुन छोड़ देगा फिर गले में तुलसी की कड्डी पहनना, ठीक है, जो छोड़ दिया गले में कड्डी पहन लेना, कड्डी कुछ लाए हो, लाए ठीक, हाँ जो जो, जो, जो प्याज लहसुन छोड़ेगा उसको गले में कड्डी मिलेगी, और जो प्याज लहसुन बोलेगा, इधर सुन लो बात मत करो, जो बोलेगा आप इतने जल्दी प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते हैं, फिर आप लोग एक एक नीम की माला लेना, इसमें जप करते रहना, ठीक है, नीम की माला लेकर इसमें जप करना, और कोशिश करना धीरे 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 जैसे खत्म हो जाए, जब पूरा खत्म हो जाएगा फिर गले में तुलसी की कंठी धारण करना, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले हरि नाम संकीर्तन की, सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। हाँ जिनको पास माला नहीं, आ जाओ एक एक माला लेकर, ये नीम माला, आपको तुलसी माला नहीं दे रहा हूँ, जो अभी भी प्याज लहसुन खा रहे हो इसमें भी जप कर सकते हो, इसलिए